बात करते हैं ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी या पेट का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, कट ऑफ कब तक आएगी, तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देना जरूर और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ऑफिशियल आंसर की जो है आपकी वो यूपी ट्रिपल एससी कब तक जारी कर सकता है। तो यूपी ट्रिपल एससी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो 7 दिनों के अंदर अंदर जारी करने की पूरी संभावना है, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसके अंदर हमने देखा कि जो आंसर की है वो 3 दिनों के 4 दिनों के अंदर ही आ गई थी, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है पेट 2022 के लिए ये बहुत जल्द जारी कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट इसका जो है कब तक जारी होगा, तो रिजल्ट को लेकर अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि जो अनुमान है रिजल्ट के लिए, अनुमान मैं यहां पर बता देता हूं कि ऑफिशियल जो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो नवंबर के लास्ट तक आ सकता है या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो है आपका जो ऑफिशियल आपका जो रिजल्ट है पेट 2022 का वो जारी कर सकता है यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है कि ऑफिशियल आंसर की 1 सप्ताह में आने की पूरी पूरी संभावना है और रिजल्ट की भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है, कितना सेफ स्कोर है, कितना अटेम्प्ट करके आए हो तो आप लोग जो है आप किसी भी परीक्षा में इस बार बैठ सकते हैं। लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं पैट 2021 की, तो उसके अंदर कट ऑफ आप लोगों को पता है लेखपाल के लिए अलग कट ऑफ जारी की गई थी, जो कि मैं जनरल की बात करता हूँ, जनरल में लगभग 62 नंबर की गई थी, 62.92 गई थी, है ना, ऐसा कुछ कट ऑफ गया था। इस बार अगर आप लोग यहां पर 75 अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं, तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं और आप लोग 75 प्लस अगर अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट करके आए हैं, तो आप लोग जो है पूरी तरह से इस बार जो है सेफ हैं, ठीक है, पूरी तरह से सेफ हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 75 प्लस आपके जो अटेम्प्ट है वो होने चाहिए पैट 2022 के अंदर, ठीक है। मैंने कट ऑफ की बात कर ली, मैंने रिजल्ट की बात कर ली, मैंने ऑफिशियल आंसर की बात कर ली। अब आज का जो पेपर हुआ था, इस पेपर के अंदर जो लेवल रहा था वो काफी अच्छा रहा था, मॉडरेट लेवल था। चाहे जीएस की बात करो, चाहे रीजनिंग की बात करो, चाहे इंग्लिश की बात करो, चाहे हिंदी की बात करो, चाहे बात करो आप मैथमेटिक्स की, ठीक है। डीआई पूछे गए थे, डीआई काफी इजी थे, कोई समस्या वाली बात नहीं थी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ी, तो वो तो जाहिर सी बात है भाई करनी पड़ेगी। पेपर कोई ये ऐसा नहीं होता है कि 37 लाख फॉर्म पड़े हैं इस परीक्षा के अंदर, 37 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इसमें आप लोगों को करनी पड़ी थी, ठीक है। मैंने रीजनिंग की सारी चीजें सॉल्व करवा दी थी आप लोगों को, और जीएस का, हिंदी का, सभी चीजों का जो पूरा आंसर की है सॉल्व जो मैंने किया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने भेज रखा है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जिसके आप ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं, ये देखिए आपको मैंने वीडियोस प्रोवाइड करवा रखी है। ये पैट की जो सेकंड शिफ्ट की आंसर की है वो उसका, यहाँ पर आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। और ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट आज का ही, और यहाँ पर ये है 15 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट, यहाँ आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर सभी वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं, ऐसी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये आज की दोनों शिफ्टों के पेपर हैं और कल का सेकंड शिफ्ट ये है, फर्स्ट शिफ्ट आपके सामने ये रहा। और ये मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताया था, यहाँ पर अच्छा खासा व्यूज आया है, 1100 लोगों ने देख लिया है। और ये सारी चीजें जो है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग यहां पर टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोगों के सामने है, इसके अंदर देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी अगर ये वाला आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लाइव वाला इसको देख लेना, मैंने इसमें सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं कुछ हद तक, और बाकी यहां पर आप देख सकते हैं सारी पीडीएफ आपको यहां पर मैंने प्रोवाइड करवाई है। यहां पर 2930 के समथिंग लोग जुड़े हुए हैं और इन पर यहां पर आप लोगों को काफी सारा चीजें मिलती रहती है फ्री में। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर बहुत हेल्पफुल है और फ्री में सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगने वाला है भाई। तो आपके फोन में टेलीग्राम तो होगा ही, जाहिर सी बात है, और सभी चीजें आपको यहां पर मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप लोगों का जो साथ है वो मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। मैं ट्विटर पे भी आप लोगों का बिल्कुल साथ बना के रखता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारी प्रोफाइल है ट्विटर के ऊपर, यहां पर आपके लिए मैं ट्वीट वगैरह करता रहता हूं, जो कि ये आप लोग देख सकते हैं मैं रीट्वीट किए थे ये, और जो कल पैट की परीक्षा के अंदर सॉल्वर वगैरह पकड़े गए थे वो यहां पर आप ये सभी चीजें देख सकते हैं, ये पुलिस के अधिकारी हैं, इनकी तरफ से किया गया था। और ये हम आपके लिए ट्वीट वगैरह करते रहते हैं हर समय, क्योंकि आप भाई इस बार का जो
पेट का परीक्षा है, ये आपको हमेशा याद रहेगी क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में पेपर देने लोग गए थे। और लगभग कल के जो डेटा है वो मैं आपको बता देता हूँ, 67% या लगभग 70% तक लोग गए थे, 30% लोगों ने छोड़ी है परीक्षा और ज्यादा ही कहेंगे ज्यादा लोगों ने छोड़ी है। डेटा शाम तक या कल मॉर्निंग तक पूरा आ जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने ये ट्वीट भी आप लोगों के लिए किया था कि पेट 2022 की परीक्षा देने जा रहे हैं भोले वाले छात्र, जितनी दिलचस्पी पेट और टेट करवाने में सरकार लेती है उतनी दिलचस्पी अगर भर्ती निकालने और उसको पूरा करने में की ओर काम किया जाए तब तो बेरोजगारी कम होगी। मजबूर छात्र यानी कि हम सभी मजबूर ही हैं, है ना, आप सब मजबूर हैं। तो इस चीज को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भीड़ कितनी है ये आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। मैंने ये भी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं भी दी थी और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। और आगे ये है कि रक्षाबंधन पर फ्री कर सकते हैं जो बस की सुविधा थी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी सुविधा इन लोगों को इसमें करनी चाहिए थी। ये जो है स्पेशल ट्रेनें चला देते, स्पेशल बसें तो चलाई गई थी लेकिन ट्रेनें जरूर चलाई जानी थी। तो ये सब चीजें हैं, आप लोगों ने अगर यहाँ फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पर मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी कर लेना, ठीक है। तो ये आप लोग, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अब आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप लोग मेरे साथ कब से जुड़े हुए हैं और कौन से शहर से आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, इस चीज को कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सरप्राइज आप लोगों के लिए आने वाला है कुछ दिनों में, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, अब दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।